प्रपंच की वास्तविक प्रकृति के प्रति जागरूक होना एकत्वम है। यह है श्री भगवान का आज का चिंतन। और अब गुड़गांव के अवधेश उपाध्याय का चमत्कार, जो आजकल मलेशिया में रह रहे हैं। 74,000 दीक्षा में भाग लेने के बाद मुझ में बहुत से आंतरिक बदलाव हुए हैं। पहले मैं चाहे ऑफिस, घर या दोस्तों के बीच कहीं भी हूं, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाया करता था, पर 74,000 मुक्ति दीक्षा कार्यक्रम में भाग लेने के बाद से भीतर न कोई चिढ़ है न ही गुस्सा। परिवार और दोस्तों के प्रति स्वीकरण बढ़ गया है। ऐसा लगता है कि हालांकि हम सब अलग हैं, फिर भी ऐसा नहीं है, एक दूसरे में बहुत गहरा संबंध है। ऐसा नहीं लगता कि कोई और कुछ कर रहा है, बल्कि सभी मेरा ही हिस्सा हैं, हर कोई मेरा ही विस्तार है। अब मन में कोई उथल पुथल नहीं है, विचार आते हैं और चले जाते हैं। विचार जब आते हैं तो उनके कारण कोई परेशानी नहीं है, उनका कोई तुष्टिकरण नहीं है, मैं बहुत ही शांत स्थिति में हूं। दूसरा बदलाव जो मैंने अपने में महसूस किया है, वो है कि अब जब मैं किसी को देखता हूं, बेशक वो परिवार का कोई सदस्य हो, दोस्त हो या ऑफिस का सहकर्मी, तो एक प्रेम उमड़ता है। ये प्रेम केवल इंसानों के लिए नहीं है। जब मैं पेड़ पौधों, जानवरों या पक्षियों को देखता हूं, तो उनके लिए भी ये प्रेम है। और जब से भगवत साक्षात्कार प्रक्रिया में भाग लिया है, मुझे अपने अंदर श्री परम ज्योति की उपस्थिति महसूस होती है। ऐसा लगता है कि श्री परम ज्योति 24 घंटों मेरे साथ हैं। मेरा शरीर बहुत हल्का लगता है, ऊर्जा बहुत अधिक है और मन की बकबक बिल्कुल बंद हो गई है। पहले जब मैं किसी को देखता था तो मन टिप्पणी करता था, कुछ कहता था या आकलन करता था, पर अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब मैं फोकस कर पाता हूं, एकाग्र चित्त हूं और कोई भी कार्य पूरी स्पष्टता के साथ करता हूं। जीवन उत्साह और ऊर्जा से परिपूर्ण है। मुझे ऐसी अद्भुत स्थिति देने के लिए श्री परम ज्योति के कमल चरणों में मेरा विनीत नमन।